जय माँ कपालेश्वरी, जिसे माँ कुणाल पत्थरी के नाम से भी जाना जाता है। माँ का धाम स्थित है हिमाचल प्रदेश धर्मशाला से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। तो रास्ते के नज़ारे बेहद ही खूबसूरत, मन को सुकून देने वाले, मौसम खुशनुमा था। तो सफ़र का आनंद लेते हुए हम यहाँ पर पहुँचे। मैं अपनी 16 साल की उम्र में इस धाम पर आया था। उसके बाद मुझे इस धाम पर आने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। तो ये कुणाल पत्थरी धाम के दर्शन कीजिए, यहाँ ही आगे का सफ़र शुरू होता है माँ के मंदिर में जाने का। तो मुझे यहाँ आने का अवसर उसके बाद प्राप्त नहीं हुआ। माँ ने आज आवाज़ लगाई तो पैर भागते हुए मंदिर की तरफ आ गए। तो अद्भुत शक्तियों का संचार धाम में होता है। ये धाम बहुत ही घने जंगल में स्थित है। आसपास बेहद हरियाली देखने को मिलती है और जो यहाँ पर शांति का अनुभव होता है वह तो अद्भुत ही है। मन अति प्रसन्न हो जाता है। सारी चिंताएं, सारे फिक्र झटके में ही माँ के दर्शन मात्र से ही ख़त्म हो जाते हैं और हमें एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार हमारे शरीर में होता है। और जो मैंने यहाँ पर अद्भुत ऊर्जा का संचार महसूस किया वो अद्भुत ही था। और ज्योतिषीय नज़रिए से हम देखें तो छोटी सी रिसर्च जो मेरे मन में आई, हमारी कुंडली में अगर बुध व राहु ग्रह अगर दुष्परिणाम दे रहे हैं तो वह उनका दुष्परिणाम धीरे धीरे अपने आप हटना शुरू हो जाएगा। अगर आप सच्ची भावना से माँ के मंदिर में निरंतर आते रहते हैं तो माँ ये आपके कष्ट धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी से दूर कर देगी और आपकी व्यापार, आपके परिवार में खुशहाली का आलम कर देगी। तो माँ कपाल रूप में विराजमान है, दर्शन कीजिए। बीच में जल है कपाल के, नीचे माँ पिंडी स्वरूप में विराजमान है। बाकी जानकारी हम पंडित जी से लेंगे। राम राम, जय माता दी। आज हम हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में कुणाल पत्थरी धाम में आए हैं। माँ का धाम है कुणाल पत्थरी धाम। तो यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के बाद हमने पंडित जी से यहाँ का इतिहास जानने की विनती की। तो आइए पंडित जी से इस जगह का इतिहास जानते हैं। पंडित जी, पहले आपका नाम? जय माता की। मेरा नाम है संजीवन गौतम। पंडित जी, कुछ इतिहास मंदिर के बारे में बताइए कि जो भक्तजन माँ पे विश्वास रखते हैं, इस जगह के बारे में जाने और यहाँ पर आने का उनका रास्ता खुले। कुछ माँ के इतिहास के बारे में बताइए। ये आप देख रहे हैं कुणाल पत्थरी माता, जो कि कपालेश्वरी देवी है। माता सती हुई थी, उनके जो अंग गिरे थे वो शक्तिपीठ बने थे, उनमें से ये कपाल माना गया माँ का। कपाल मीन्स ये वाला आकार, यहाँ पे माता का माना गया। ठीक है जी। और नीचे जो पिंडी स्वरूपा है, जो पिंडी बनी हुई है वो स्वयंभू अपने आप बनी हुई है, किसी ने बताया नहीं है। और ऊपर कपाल का आकार है और उस कपाल के आकार में बारिश का जल आता है, ऊपर से छत खुली है, 12 महीने जल उस कुंड में रहता है। जब बारिश होगी तो डायरेक्ट बूंदे इस कुंड में गिरती हैं और जल वैसे ही है, वैसा ही रहेगा, सूखेगा नहीं कभी भी। ठीक है। चाहे थोड़ा ही रहे, रहेगा जरूर, माँ की कृपा से बारिश होती है, फिर पुनः ये जल से भर जाता है। और जो इस जल के फायदे क्या है? हाँ जी, फायदे ये हैं कि कोई भी अपने घर में ले जाए, जैसे चर्म रोग हो गया, कैंसर हो गया, पथरी होगी या अन्य कोई भी बीमारी हो, वो भी श्रद्धा भाव से जो भी माँ के इस जल का पान करेगा, अपने घर में छिड़काव करेगा, नहाने में डालेगा, तो माँ की कृपा से वो उसके सारे रोग कष्ट दारिद्र दूर हो जाते हैं। ठीक है। तो माता की ऐसी कृपा रहती है यहाँ पर। ठीक है जी। जो भी माँ के पास आकर के जो भी मन्नत रखता है, माँ की कृपा से आज तक भरी हुई है, सबकी कृपा करी हुई है माता ने। ठीक है जी। तो यही माता जी का इतिहास। यहाँ यहाँ पर जैसे महामाई के मेले, जैसे चिंतपूर्णी माता के सावन के मेले आते, यहाँ का कोई खास ऐसा दिन पर्व त्योहार हो जो खास हो यहाँ का? यहाँ पे जो चैत्र मास के नवरात्रे, अश्विन मास के नवरात्रे जो आते हैं, दोनों नवरात्रों में काफी चहल पहल रहती है। ठीक है जी। मतलब काफी लोग आते हैं, बाहर से भी आते हैं दर्शन करने के लिए। ठीक है जी। माँ की कृपा से दोनों वर्ष जो भी नवरात्रे होंगे उनमें मेला लगा रहता है। ठीक है जी। जैसे माँ चिंतपूर्णी के बारे में कहा जाता है कि माँ चिंतपूर्णी हमारे सारी मानसिक चिंताएं हर लेती है, तो यहाँ की माँ का जो शक्तियाँ, वो माँ की शक्तियाँ क्या
हमारी चिंताएं कैसे, क्या कौन सा हमारा कष्ट दूर करती है। माँ की कृपा से जो भी शारीरिक दुख होगा वो तो ठीक होता ही है, उसके जल का प्रभाव तो आपको बताया। ठीक है जी, ठीक है। और जो अपनी मन्नत भी रख के जाता है बंदा का, वो भी माँ की कृपा से पूरी हुई है। ठीक है। यहाँ पे लोकल कई लोग ऐसे हैं जो आर्मी के लिए आते हैं, स्पेशली बच्चे लड़के आते हैं कि हम माता हम भर्ती हो जाए आर्मी के लिए हो जाए। ठीक है। आर्मी के लिए माता का बहुत सहयोग है इसमें। ठीक है जी। बच्चे काफी आते हैं यहाँ पे, जातर लेके आते हैं, ढोल नगारे लेकर के आएंगे, गाते बजाते हुए आएंगे। ठीक है। माता की कृपा से वो भी इनकी इच्छाएं पूरी होती है, जो भी माँ से जो भी मांग करता है। ठीक है। यहाँ पे पूरी हुई है माँ की। ठीक है, ठीक है, ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका जानकारी देने के लिए। जय माता दी पंडित जी, जय माता दी, धन्यवाद पंडित जी। जहाँ माँ का मंदिर हो वहाँ पर भगवान शिव का मंदिर ना हो ये नहीं हो सकता। गुप्त ईश्वर महादेव जी के दर्शन करते हैं। आइए, जैसा कि पंडित जी ने हमें बताया, किसी को पथरी का रोग हो, किसी को चर्म रोग हो, या किसी को कैंसर की शिकायत हो, अगर श्रद्धा भाव से यहाँ के जल के साथ वो दवाई खाएगा या माँ के दर्शन करेगा तो उसका ये रोग ठीक हो जाता है। तो माँ यहाँ पर कैंसर जैसे रोग, पथरी व स्किन एलर्जी जैसे रोगों का नाश कर देती है। ये होगा उसी का ही जिसके मन में भावना रहेगी। जाकी रही भावना जैसी, ताको प्रभु मूरत दिखी वैसी। बिना भाव के कोई भी कार्य नहीं होता। इसके अलावा पंडित जी ने बताया कि जो लोग मिलिट्री में भर्ती होना चाहते हैं, आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, उन पर माँ की विशेष कृपा रहती है। जब वो यहाँ पर आकर मुराद मांगते हैं तो उनकी ये मुराद अवश्य पूरी होती है। ये पीछे ये जो दुकान देख रहे हैं, पहले ये आज से 24-25 साल पहले बहुत छोटी सी दुकान हुआ करती थी, कच्ची दुकान थी, तो आज इसका माहौल ही बिल्कुल बदल गया। तो वैसे भी आपकी जो मनोकामना रहती है वो यहाँ पर पूरी होती है। हवन यज्ञ यहाँ पर निरंतर जारी रहता है, माँ के अनुष्ठान होते रहते हैं। तो अगर आपके परिवार में किसी को कैंसर की समस्या है या किसी परिचित कैंसर की समस्या है तो आप ये वीडियो उस तक पहुँचा के उसकी बीमारी को दूर करिए। किसी को स्किन की एलर्जी है उसकी बीमारी को दूर करिए। हमारे साथ एक सज्जन आए थे, उनकी पत्नी को स्किन की एलर्जी थी, उन्होंने वह जल से उनको स्नान करवाया और सिर्फ 3-4 दिनों में ही उनकी पत्नी की स्किन की एलर्जी ठीक हो गई। इससे बड़ा चमत्कार और क्या देखने को मिलेगा। किसी को पथरी हो तो इस जल के साथ वो अपनी दवाई पिए तो अद्भुत चमत्कार पंडित जी कहते हैं कि उसके जीवन में होंगे और माँ की विशेष कृपा मिलेगी। तो राम जी आपकी भली करें, गुरु की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी।